एमपी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एमपी के खरगोन में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठे करीब 30 गुमटियों को हटाया गया है। वहीं पक्के अतिक्रमण को बुलडोजर के सहारे ढा दिया गया। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत खंडवा रोड के दोनों छोरों पर स्थित अवैध अतिक्रमण से की गई। इस दौरान पुलिस और राजस्व अमले दोनों की ही टीम यहां मौजूद रही। कार्रवाई करते समय प्रशासनिक अधिकारियों और अवैध गुमटीधारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 7/9/2024 को निर्णय लिया गया कि शहर का अस्थायी अतिक्रमण हटाना है। आज खंडवा रोड की गुमटियाँ अस्थायी जितनी भी है सब हटा रहे। कितनी गुमटियाँ अभी कम से कम 12 से 15 गुमटियाँ हटा चुके। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? क्या ये तो निरंतर जारी रहेगी पूरे शहर का जब तक हटेगा नहीं। बता दें कि पिछले दिनों जिले में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अतिक्रमणकारियों पर निर्णय लिया गया था, जिसके बाद नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की है। खरगोन में खंडवा रोड पर विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के पास से जानकी नगर तक बड़े पैमाने पर गुमटियां रखकर अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे ये रोड सकरा हो गया था। वहीं खंडवा बड़ोदरा नेशनल हाईवे होने से यहां पर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, जिन्हें अतिक्रमण के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का अब बुलडोजर चल गया है। खरगोन से उमेश त्रिवलिया की रिपोर्ट, एमपी टाइम्स।